होता है। कितना सुंदर केक है, मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था असली कीड़े थी। उफ, ये कितने भयानक है, मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, पसंद हो या ना हो तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों, तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती, कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों के तुरंत लेना होगा। ओह अभी भी घिनौना है, ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं नहीं हो सकता, फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ, मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो, मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है, मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है, इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है, और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट तुम मेरे लिए चीज कर सकती हो, मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो, प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत, मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला, मैं अपने केक को बचा सकती हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ, तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी, मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला, मुझे जाने दो, कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखे कि तुम इसे कैसे संभालती हो, मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली, यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों, सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओ माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था, तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती, लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है, मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है, और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है केक, नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, बहुत जल्दी खत्म हो गया, केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं मिस कर दिया, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला, देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा, मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है, मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों, एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा, मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं लगता आग लगने वाली है, मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट मैं तुम पर पानी डालती हूँ।
कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी, तो मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा, मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो, धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे शांत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूं। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूं। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है। हेलो दोस्तों, वाव वाव, यह आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हालचाल है? कितना हैंडसम है। हेलो क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यह मेरा है। वाह अब यह आइसक्रीम मेरा है, बहुत अच्छा। दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए, बहुत स्वादिष्ट था। ये किसने किया, तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ बस इतना ही, हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है, हम क्या करेंगे? ओके मुझे पता है, चलो कार्ड उठाते हैं। ओ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाती हूँ, ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ। अच्छा मतलब मुझे चाटना होगा, मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, सामंथा मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। यह
करो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक। ची, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ। चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? देखते हैं अंदर क्या है। ओ, लगता है ये कैक्टस है। शायद ये चॉकलेट हो। देखना होगा। नहीं, चुप गई। ये असली है। अरे कितना बुरा। मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। ओके। तो ठीक है। ये बहुत अच्छा, मुझे ये नहीं छूना होगा, मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। क्या हो रहा है? चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो। नहीं तुम। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया। क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले। ओके। अच्छा आइडिया है, रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। तो जैक, तुम्हें पहले यह चाटना होगा। अरे यार, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है। ओह, बेचारा जैक। अरे ये बस मजाक था, देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम। चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है, वैसे मैं रिस्क भी उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से। हाँ, सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ, खा कर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था, पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो, कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों? क्या हो रहा है? सब एम्बर ने किया है। यह कैसी बदबू है? लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है। पता लगाना होगा अंदर क्या है। ओके। इसी बात का डर था, यह मछली है। छी, कितना बुरा। उफ, बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। उफ, मुझे ये चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ? घर छोड़ो। तो फिर मुझे यह खाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें करना ही होगा। पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है, पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे। मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी, कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो, अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया? मैं तैयार नहीं थी, मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह, चोट लग गई या क्या किया? चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह, कितना बड़ा केक। मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक जाओ, पहले कार्ड लेने होंगे। और यह तैयार है, ये लो। वाह, मैं चाट सकता हूँ। ये मैं खाऊंगी। उफ, मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं भी केक खा कर रहूंगी। ओ, कितना स्वादिष्ट है।
मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, ये तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं, ये हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो, केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक, अब तुम्हारा हो गया। What? तुम क्या कर रही हो? ओ, मेरे नाक पर केक है। बहुत अच्छा। तुम सही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? Please. मैं कैसे दूं, यह केक मेरा है। अच्छा ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? अब तुम यह लो। अरे मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओ, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे ये खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है, इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूँ, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना। उफ, कितना गंदा। मेरी पिन वापस दो। जैक, अब तुम चलो। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये बहुत खराब है। पर खाना ही होगा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो, मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ, कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं, फिर से वो बदबू। मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह, हब्बा बब्बा। हाँ, और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है? What? Oh, no! मैं ये नहीं खा पाऊंगा। और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी। बहुत बढ़िया। चाटना? पर गम को तो चबाया जाता है। यह लो, पकड़ो। तुम पहले चलो। हाँ, क्यों नहीं। आशा है ये स्वादिष्ट होगा। वाह, बिंगो। पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों, अगर इसे पूरा खोला जा सकता है। यह जरूर और अच्छा होगा। तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया। बस बहुत हुआ, यह मुझे दे दो। उफ, अब ये कितना गंदा हो गया है। मुझे तो स्वादिष्ट लगा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। बहुत ही खराब है। अरे, पर मैं इसके साथ क्या करूंगा? वाह, कितने सारे ट्विक्स हैं। तुम भाग्यशाली हो, मुझे सिर्फ एक चॉकलेट बार मिला है। अरे, उसका रैपर तो निकाल कर खाओ। मुझ पर मत चिल्लाओ। तो मैं ये कैसे खाऊं? हाँ, मैं अपनी चेन सॉ का इस्तेमाल करूंगी। ऐसा मत करो, बचाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे चॉकलेट के लिए है। मेरे दो ट्विक्स के टुकड़े के लिए। मैं भूल गई थी कि मेरे पास दो है। भूल गई थी? और क्या तुम यह भी भूल गई थी कि चॉकलेट को एक सॉ से काटा जाता है, तो यह हर तरफ उड़ता है। डांटने के बजाय तुम मेरी तारीफ कर सकते थे। खैर, मेरे पास कितना कम चॉकलेट है और तुम दोनों के पास कितना सारा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। अरे सारे? हाँ, अब मैं खा सकती हूँ।
मुझे ट्रिक सच में बहुत पसंद है। यह हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, खासकर अच्छा तब होता है जब बहुत सारे हो। मेरे पास एक आइडिया है, इसे ऐसे ही क्यों खाऊं अगर इस चॉकलेट को दूध में डुबोकर खाया जा सकता है। उफ, सब कुछ उड़कर मेरे पास क्यों आता है। देखो साधारण दूध कितनी जल्दी चॉकलेटी बन गया, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह बहुत अच्छा है, एक साथ खाओ और पियो। लगता है तुम्हारा लगभग हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ, पहले सारे कैंडी रैपर उड़ा देता हूँ। कैसा लगा, बढ़िया ना? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं है, अब समय आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन का काम करने का। ये चॉकलेट स्वादिष्ट और एक बहुत मजबूत सामग्री दोनों होते हैं, और न्यूटेला की मदद से सब अच्छे से चिपक जाएगा, और ये ट्विक्स के साथ अच्छे से जाएगा। वाह, यह देखो दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट टावर। हाँ, यह आसमान की ऊंचाई का है, मुझे सीढ़ी पर चढ़कर यह खत्म करना होगा। कितना अच्छा बना है, लगभग पूरा हो गया है। विवियन, तुम समझ रही हो ना, यही हमारा मौका है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से खाते हैं। अजीब है, सब हिल क्यों रहा है? बचाओ! ओह, आशा है कि वह ठीक है। तुमने हिम्मत कैसे की? वह मेरा चॉकलेट था। अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसने मेरी जान बचा ली। अरे यह क्या, फिर मुझे सबसे कम मिला है, मेरे पास सिर्फ एक आंख है। किस्मत सच में तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, हंसी आ रही है, तो यह लो, मैं तुम्हारे चेहरे पर यह लगा दूंगी। यह गमी आंख बहुत चिपचिपी होती है। अच्छा लगा? बस करो, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी, खाती हूँ। तुम खाओ, तब तक मैं एक प्रैंक करता हूँ, मुझे थोड़े केचप की जरूरत होगी, यह मजेदार होने वाला है। जूलिया देखो, मैं अपनी आँख खींच कर निकाल लूंगा। क्या? तुम्हारी आँख, यहाँ से हटाओ जल्दी। ओह, यह क्या है? ओह, लगता है उसके गले में फंस गया है, उसकी मदद करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। यह सीरियल कितना स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। यह आग कहाँ से आई, कितना भयानक। वो आग सच में असली लगती है। हाँ वो तो है, सिर्फ एक अंतर है, यह आग बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर स्वादिष्ट सिरप भी है। अंदर सिरप है, तब चलो इधर देखो, अब मेरी बारी है इन गमी ट्रीट्स को खाने की, किसी चीज की कमी है। एक और आग। नहीं, मेरा कुछ मत छुओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कम से कम एक तो दे दो, तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथ शेयर करो ना। मैं कुछ शेयर नहीं करूँगा, मैंने सब खत्म कर दिया, देखो कुछ नहीं है। यह क्या हो रहा है, मेरे पास इतनी आंखें क्यों है? देखो तुम्हारी लालच की वजह से क्या हुआ। क्या यह कोई मजाक है, मुझे फिर इतना कम क्यों मिला है? हमें तो ज्यादा चिप्स मिले हैं। सिर्फ एक टुकड़ा, यह इतना छोटा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वह टेबल के नीचे क्यों चली गई? मुझे इसकी जरूरत थी, किसी तरह इसे खाना होगा और मुझे लगता है ट्वीजर्स मेरे काम आएंगे। तुम हंसना बंद करो और अपना खाओ। हाँ ठीक है, मैं अपनी चिप्स जल्दी से खा लूंगा, बस इसे खोलना होगा। क्या है, ये इतने कसकर क्यों लगा हुआ है? पीटर, तुम बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। चुप रहो, चिप्स का डब्बा खोलने का ये सबसे अच्छा तरीका है, बस इसे काटना होगा। देखो, और मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, चिप्स खुद ही उड़कर मेरे मुंह में आ जाएंगे। कितने स्वादिष्ट है। अरे अरे, यह तो एक चिप्स के डब्बे से बेहोश हो गया। छोड़ो, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे सच में चोट लगती है। हाँ जो भी हो, मुझे खाने दो, यह लाजवाब है। क्या मैं ठीक हूँ?
नहीं, ये चिप्स कमाल के हैं। मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। ये नामुमकिन हो गया है। ये बहुत ही अच्छे हैं। ध्यान से कैन फेंकना बंद करो। अरे मुझे भी एक हेलमेट चाहिए। हेलमेट नहीं, इस भूखड़ के चिप्स को यहाँ से हटाना होगा। वाह, ये तो बढ़िया किया, एकदम सही निशाना। यह क्या हुआ? मदद करो मेरी। उफ, ब्रोकली नहीं। ब्रोकली? पर मुझे एक बीज क्यों मिली है? स्वाद तो अच्छा नहीं है। अरे हाँ, इसे उगाना होगा, फिर मुझे इसे एक पौधा मिलेगा। बस करो, रुको, सारी मिट्टी हमारे ऊपर आ रही है। ओ माफ करना, हमारे मुंह में मिट्टी भर गई है। ओ शांत हो जाओ, मुझे बस अपने बीज को डालने के लिए जगह चाहिए थी। जब तक ये उगता है तब तक तुम अपना ब्रोकली खाओ। लगता है मेरी बारी है, पर दिक्कत यह है कि मुझे ब्रोकली से नफरत है। यह कितना खराब है। छी, इसका स्वाद तो भयानक है। लग रहा है कि मैं किसी सड़े हुए चीज को खा रहा हूँ। मैंने पहले कभी इससे और बुरी चीज नहीं खाई है। मुझे जल्दी अपने मुंह का स्वाद ठीक करना होगा। ओ, यह मुझे दो। देखो यह बड़ा हो रहा है। तुम्हारी कोला ने मेरे पौधे की मदद की। अच्छा मदद हुई, तो अब उसका मजा लो। वो पौधा ब्रोकली है। क्या सच में? मैं इतनी मेहनत इसके लिए की? आशा है कि इसका स्वाद कम से कम अच्छा हो। नहीं, लगता है मैं दुनिया की सबसे खराब माली हूँ। यह ब्रोकली बहुत बुरा है, इसे खाना नामुमकिन है। तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लग गई है। हंसना बंद करो जूलिया, अब सिर्फ तुम ही बची हो। मैं? पर यह कितना बड़ा है, मैं ये नहीं खा सकती। ओ हाँ आइडिया। दोस्तों देखो उधर क्या उड़ रहा है। कहाँ? कितने भोले हैं। तुम लोग उधर कुछ ढूंढो और तब तक मैं इस गंदी चीज को फेंक देती हूँ। अच्छा तो तुम हमें बेवकूफ बनाना चाह रही थी। वैसे मेरे पास भी यहाँ एक कटोरी है। कितना खराब स्वाद था, देखो मैंने सब खा लिया। बहुत बुरा था। ओ इतना बुरा था कि तुमने सब फेंक दिया, पर अच्छा है कि मैं सब फिर ले आया। मुझे यह नहीं खाना था, लेकिन लगता है कि यह खाना ही होगा। स्कीटल्स, बहुत अच्छा, पर मुझे और चाहिए। हाँ हाँ, फिर जूलिया को सबसे कम मिला है। कम क्या, मुझे सिर्फ एक कैंडी मिला है। पर तुम ज्यादा ही जल्दी खुश हो गए। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि मैं इसे बड़ा कैसे बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस अपने फोन की जरूरत है। अब बस कैंडी को कैमरा के करीब लाना होगा। हाँ अच्छा है, अब यह बड़ा हो गया है और ज्यादा स्वादिष्ट भी जरूर होगा। हाँ यह लाजवाब है, इतना स्वादिष्ट, मुझे बहुत मजा आया। पीटर अब तुम्हारी बारी है। हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं सारे कैंडी अपने मुंह में पकड़ लूंगा, देखना। ओह मिस हो गया, तुम्हारे मुंह में तो एक भी नहीं गया होगा। ठीक है अब छोड़ो, मैं चलती हूँ। क्या मैं तुमसे एक कैंडी ले सकता हूँ, शायद पीला? बिल्कुल नहीं, यह मेरे है। अब मुश्किल काम बचा है, कौन सा रंग चुनूं, कौन सा कैंडी पहले खाऊं। मुझे लगता है मुझे लॉटरी निकालनी होगी। वाओ, जो रंग मिलेगा वो वाली कैंडी मैं खाऊंगी। वाओ, शुरू करती हूँ हरे के साथ, और वैसे ये मेरा फेवरेट रंग भी है। वाओ, तो मैं भाग्यशाली हूँ। और अब सारे खा लेती हूँ। यह स्किटल्स कितने स्वादिष्ट है। तब चलो लॉटरी मैं निकालता हूँ। यह क्या है? वाह, इससे तो लाइट आ रही है। देखो कितना बड़ा कैंडी है, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, इसके अंदर भी कैंडी भरी हुई है। मुझे भी चाहिए। अरे लॉटरी चली गई। अपना दो ना प्लीज। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा, अपने हाथ आगे करो, मैं लालची नहीं हूँ, यहाँ सबके लिए काफी कैंडी है। धन्यवाद पीटर।